आप नेगेटिव कब कराए थे? आप लास्ट टाइम टेस्ट आपको 11 दिन फिर से कराना, कल कराना, ठीक हो? तो आप बच्चों को मारे उन्ना अगर हुए तो दूसरों को लगता ना आपकी वजह से आप स्प्रेडर हो जाते हैं, आप स्प्रेडर हो जाते हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग पूरा पुलिस डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है। रेस्टोरेंट से हर एक हैदराबादी के घर को उसके जायके का खाना जो पहुंचाते हैं उनके रोजगार का मामला था और उनकी आमदनियों में कंपनी के जानिब से कई कटौतियां की गई। जो स्विगी का एक बंदा जो महीने में एक 15,000 से 20,000 रुपए कमाता था, नई पॉलिसी के बुनियाद पे वो महीने में सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए कमाएगा। इसके एहतजाज में जो स्विगी के तमाम जो डिलीवरी बॉयज थे उन्होंने आज स्ट्राइक कॉल की थी ताकि वो एक जमहूरियत में अपने डिमांड्स कंपनी के सामने रख सके, मगर कंपनी वालों ने उनके खिलाफ केसेस बुक कराकर उनके पार्टनर्स जो दूसरे जो डिलीवरी के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके थ्रू इनके ऊपर केसेस बुक कराने की कोशिश की गई और दबाव बनाया गया। हमारी ये गुजारिश थी आज यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में से जिन्होंने उन्हें ऑनर की, जो बच्चे जो जमहूरियत में जो स्ट्राइक कर रहे हैं उनको इजाजत दी जाए और उनको गैर जरूरी हरासा ना किया जाए इनके फॉल्स कंप्लेनों पे। और आपके जरिए से मैं
कंपनी जो स्विगी है उनके जिम्मेदारों को ही बोलना चाह रहा हूं कि आप बेशक आप तरक्की करें, आपको शहर हैदराबाद से आपकी आपको कमाई है, मगर आपकी कमाई को बढ़ाने के लिए आप हजारों की तादाद में जो बच्चे आपके लिए काम करते हैं उनके रोजगार से आप नहीं खेल सकते। उनके डिमांड्स को आपको मानना होगा, उनके डिमांड्स को आपको सुनना होगा और उनका रोजगार सही तरीके से उन्हों जिस तरीके से कमिटमेंट से आपके कंपनी में काम करते हैं वो कमिटमेंट से आपको उनको रोजगार देना होगा और उनका मेहनताना देना होगा। उनके जगह पे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनों को लाते हुए उनके पेट पे लात आप मार नहीं सकते। और ये लोग एहतजाज करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, बराबर इनका जमहूरी हक है और खुदा ना खास्ता इन पे कोई आफत आती है तो सदर मजलिस के हुक्म पे इंशाल्लाह मैं हर मोड़ पे तमाम जमात इनके साथ ठहरेगी और इनके इनको पुरजोर इनको ताउन करेगी। आज जो बंजारस में कंप्लेंट हुई, ये कंप्लेंट की वजह क्या है और कंप्लेनर का नाम क्या है, कंप्लेनर कौन है इसमें? कंप्लेनर कोई नहीं है, ये जो स्विगी है और उनके जो पेरेंट उनके जो पार्टनर्स है डिलीवरी पार्टनर्स जो नए हुए जिनकी वजह से अपने करीबन अपने हैदराबाद के 50,000 लोगों के पेट पे लात पड़ रही है, उन लोगों ने एक फॉल्स कंप्लेन 100 पे की और जब कंप्लेन देने का टाइम आया वो पीएस को भी नहीं है। ये करीबन 50,000 बच्चे हैं जो अपनी रोजगार के लिए लड़ रहे हैं और कोई भी कंपनी आकर यहां पर अपने बच्चों को इस्तेमाल कर उनके पेट पे लात नहीं मार सकती, उनको बराबर उनका हक देना पड़ेगा। हमें रेस्टोरेंट से भी गुजारिश करता हूं कि ये पूरे जो बच्चे हैं स्विगी के, ये पूरे हैदराबाद के गरीब घराने के लड़के हैं जो मेहनत कर अपना घर चला रहे हैं, आपका ताउन इनके साथ होना चाहिए। स्विगी को थोड़े दिन के लिए रोकिए, इनका साथ दीजिए ताकि ये अपने डिमांड जो है जमहूरी अंदाज में अपने कंपनी के सामने रख सके और अपने रोजगार को और अपने घर को बचा सके। अब बच्चों को क्या उस पर छोड़े, यहाँ पे दो बच्चों को जो अरेस्ट करके लाए, कोई कंप्लेन नहीं थी, सिर्फ एक फॉल्स कंप्लेन की बुनियाद पर उनको पकड़ा गया था। हम यहाँ पे आए, बात की और उनको हम छुड़ा कर लेके जा रहे हैं। जो फॉल्स कंप्लेन करे उस पर आपकी तरफ बराबर उसके ऊपर हम एक रिटर्न कंप्लेन दिए और इंशाल्लाह ताला उस पर कार्रवाई भी होगी। शुक्रिया। पीएस में एक फेक कंप्लेन आई थी कि हम लोग के खिलाफ हम लोग फोन छीन ले रहे हैं, गाड़ी छीन ले रहे हैं बोलकर, उस मुद्दे पे आकर हम लोग को पकड़ लिया गया है। यहाँ पीएस को लेकर आए तो वो जो बंदा अगेंस्ट में कंप्लेन करा वो बंदा अवेलेबल यहाँ पर आया नहीं, आकर रिटर्न में भी कंप्लेन नहीं दिया। हम लोग स्विगी की तरफ से स्ट्राइक कर रहे हैं, हम लोग को जो पे आउट की तरफ से जो बेस कम मिल रहा है हम लोग उसके माध्यम से वो कर रहे हैं कि हम लोग को हमारा हक मिले।